प्रिय मित्रों, आपने कभी कभी अभी शब्द रिसेंट दिनों में न्यू हेल्थ बिल जो आने वाला है 2022, इसके बारे में सुना होगा। इसमें बहुत सी कंट्रोवर्सीज हैं। लोग कुछ कहते हैं कि हेल्थ बिल है, कुछ लोगों का ये मान्यता है शायद आगे के लिए बहुत बेहतर होगा नया महामारी के लिए, लेकिन इसको थोड़ा सा हमें समझना चाहिए। ये बिल है क्या? देखिए, ये 2017 में आप देख सकते हैं, 13 फरवरी 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, पीएच पब्लिक हेल्थ डिवीजन ने ये एक बनाया और नोटिस दिया गया। द मिनिस्ट्री हैज प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट पब्लिक हेल्थ प्रिवेंशन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ एपिडेमिक्स बायोटेररिज्म एंड डिजास्टर बिल 2017। ये बिल बनाया गया है जिसमें कमेंट्स ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स आर इन्वाइटेड ऑन दी ड्राफ्ट पब्लिक हेल्थ बिल। ये पब्लिक हेल्थ बिल के लिए ड्राफ्ट मांगा गया है। ये एक हेल्थ बिल बना। ये हेल्थ बिल कब बना, तारीख दीजिएगा, 2017। और इसमें मैं जैसे इस हेल्थ बिल को आगे लेता चलूंगा, आप शायद उसकी कुछ महत्वपूर्ण चीजें देख पाएंगे। आइए इसको हम लेके चलते हैं आगे। ये हमारा हेल्थ बिल है। आपको पता है, जब भी कोई एक्ट बनता है, सबसे पहले उस एक्ट की कुछ डेफिनेशंस दी जाती हैं, उनके ऊपर सारा ये काम चला करता है। तो इसी तरह इस हेल्थ बिल के लिए भी सब डेफिनेशंस पहले बनेंगी और उनके ऊपर आपका काम चलेगा। तो ये बाकी तो आपके काम की जो विशेष नहीं है, जो आप देखना चाहें वो हो जाएगा, लेकिन जिन पर मैं आपका ध्यान दे जाना चाहता हूं उन चीजों पर ये देखिए। अब यहां पर दो चीजें आपके सामने हैं। एपिडेमिक, इसको क्या मीन कहा जाया है, मीन्स द ऑकरेंस ऑफ कम्युनिटी और रीजन ऑफ केसेस ऑफ एनी इलनेस। रीजन ऑफ केसेस, इसीलिए आप देखिएगा इस वक्त आपके पास जब भी ये बात की जाती है आजकल की बीमारी की, तो उसमें केसेस हैं। आपको शायद ये पता होगा कि 2009 में WHO ने इस पैंडेमिक की डेफिनेशन बदल दी। पहले यहां नंबर और कितने मरते थे कितने उस पर बेस्ड होता था, लेकिन अब इन्होंने नंबर ऑफ केसेस पकड़ दिया, इसीलिए आपको रोज के समाचार पत्रों में इतने केसेस आ गए, मृत शब्द बाद में आता है। उसके बाद दूसरा देखिए, एंड पॉइंट पर एपिडेमिक प्रोन डिजीज, मींस अ डिजीज एज लिस्टेड द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट मे बी नोटिफाइड अ सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब एक लिस्ट इन्होंने दी है जिसके ऊपर ये एक्ट लागू होगा, जिस समय ये एक्ट लागू होगा। तो एपिडेमिक प्रोन डिजीज, जिससे एपिडेमिक फैल सकता है, ऐसी बीमारियों की लिस्ट एक सरकार ने दी। ये हमारे पास एक शब्द आता है। तो इन दो शब्दों को ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे आप इसके विषय में अधिक जानकारी हासिल कर पाएंगे। आइए इस बिल के बारे में सारी डेफिनेशन शुरुआत में दी गई है। अब यहां देखिए ये DD शब्द जो आया, DD वाला, इसको अब ध्यान से पढ़िए। क्वारंटाइन, हमेशा लगता था कि क्वारंटाइन शब्द जो है हमारे लिए अभी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन देखिए क्वारंटाइन शब्द कब कब से बना हुआ है, उसी बिल से 2017 से। मींस द रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्टिविटीज एंड और सेपरेशन फ्रॉम अदर्स ऑफ सस्पेक्ट पर्सन हु आर नॉट इल और ऑफ सस्पेक्ट बैगेज कंटेनर्स कन्वेंसेज और गुड्स इन सच ए मैनर सो एज टू प्रिवेंट द पॉसिबल स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन और कंटेमिनेशन। मतलब कोई जो ऐसी बीमारी आएगी उसमें सस्पेक्ट वाली चीज को अलग करनी है, उसमें क्या है, व्यक्ति आ सकते हैं, उनका बैगेज आ सकता है, कंटेनर आ सकता है, उनकी कन्वेयंस आ सकती है, उनके सामान आ सकता है, जिसमें भी सरकार को ये डर लगे कि इससे इन्फेक्शन फैल सकता है, उन सबके ऊपर बात हो सकती है। इसी प्रकार नीचे एक शब्द, ये रिजर्वायर। रिजर्वायर मीन्स एन एनिमल प्लांट और सब्सटेंस इन विच द इन्फेक्शियस एजेंट नॉर्मली लिव्स एंड विच प्रे हुज प्रेजेंस में कॉन्स्टिट्यूट अ पब्लिक हेल्थ रिस्क। अब इस जो ये FF वाला पार्ट है, आप देखेंगे इसके चक्कर में बर्ड फ्लू की डेफिनेशन देखिए, कितने बर्ड फ्लू बर्ड्स मार दिए जाते हैं। अभी पीछे अफ्रीका में, सॉरी अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के नाम से आसाम में आपने बहुत से सुअरों को मार दिया, अभी बहुत सी मछलियां मर गई, ये सब पब्लिक हेल्थ रिस्क में, इनमें कहीं पर कोई सवाल नहीं है। अगर आप सड़क चलते हुए किसी कुत्ते को मार दीजिए कि वो आपको काटने आ रहा है, तो ये पेटा वाले और दुनिया भर के जो ये एनिमल प्रोटेक्शन वाले लोग हैं, जो जीव हत्या के जीवों पर ऐसा मतलब उन पर अत्याचार हो रहा है, वो लोग आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन जब ऐसे मौके पर इतने लोगों को, इतने जानवरों को मारा जाता है, उसमें कोई आपके सामने अभी रिसेंट समय में नहीं आया। बर्ड फ्लू में बर्ड्स को मारा जा रहा है, चिकनगुनिया के टाइम पे मारा गया इनको, चिकन्स को। और अभी पिछले दिनों आप देखेंगे नेट पे देखें कि हमारे पास अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के नाम से सुअर मार दिए गए, मतलब ये मारने का अधिकार ये सरकार को प्राप्त हो रहा है। ये बिल अभी पूरी तरह बना नहीं है, लेकिन इसके आदत, इसके काम आपके सामने अभी हो रहे हैं। अब देखिए पब्लिक हेल्थ में, अब देखिए अब इसमें क्या कंडीशन दी है,
ये देखिए आप थर्ड नंबर पॉइंट, आप ध्यान से देखिए, इफ एनी स्टेट गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी और एनी डिस्ट्रिक्ट और लोकल अथॉरिटी इज ऑफ द ओपिनियन दैट द पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी हैज अरिजन और इज लाइकली टू अराइज, इट मे बी ऑर्डर। मतलब अगर सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट, ये फोर टायर सिस्टम है, केंद्रीय मंत्रालय, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला सरकार और लोकल अथॉरिटी, ये फोर टायर सिस्टम है, इनमें से किसी भी एक सिस्टम को ये लगे कि आपके पास पब्लिक हेल्थ की ऐसी सिचुएशन होने वाली है या हो सकती है, उसको ऐसा कभी भी उसकी प्रजम्पशन हो, आप समझ रहे हैं, इसने पहले कहा इज ऑफ द ओपिनियन, माने मेरी मेरा मेरा ये विचार है, मैं सोचता हूं इससे हो सकता है, तो वो ये सारे ऑर्डर दे सकता है, ये अधिकार मिल गया, ये सारे ऑर्डर वो दे सकते हैं अगर उसको ऐसा लगे कि ऐसा हो सकता है। मतलब बीमारी आने की बात में बात नहीं हो रही, बात बात हो रही है बीमारी आने से पहले यदि किसी को लगे ऐसी बीमारी आने वाली है तो वो इस प्रकार के ऑर्डर दे सकता है। किस प्रकार के ऑर्डर दे सकता है, बाकी समय समय पर आ रहे हैं, लेकिन अब जो डी पॉइंट है उसको देखिए, क्वारंटाइन और रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन और एनी ऑब्जेक्ट और क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट सस्पेक्टेड टू बी एक्सपोज ऑफ सच डिजीज और एक्सपोज टू एनी सब्सटेंस और मे बी स्टेटेड इन द ऑर्डर। मतलब क्वारंटाइन कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को, समूह व्यक्तियों के समूह को, और ऐसे में सामान भी आप समझते हैं, रिजर्वायर में वर्ड पीछे आ चुका था, एनिमल्स में, आपके गुड्स में, बैगेज में, कन्वेयर में, सबको ले सकते। ई पॉइंट में देखिए, आइसोलेट एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन इन्फेक्टेड और सफरिंग फ्रॉम एनी सच डिजीज और मे बी स्टेटेड इन द ऑर्डर, माने ऑर्डर में कह दिया जाएगा ये बीमारी हो सकती है तो आपको अलग से आइसोलेट किया जा सकता है। ये अब आप देखिए जो आप बात करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन, ये शब्द दिए गए हैं, ये तब से प्लान्ड है। आगे चलिए एफ पार्ट देखिए जो बड़ा खतरनाक है, कंडक्ट मेडिकल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग लेबोरेटरी एग्जामिनेशन ऑफ एंड प्रोवाइड ट्रीटमेंट वैक्सीनेशन और अदर प्रोफिलैक्सिस टू एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन एक्सपोज टू और सफरिंग फ्रॉम और सस्पेक्टेड टू बी सफरिंग फ्रॉम एनी सच डिजीज और मे बी स्टेटेड इन ऑर्डर। मतलब किसी को भी यदि बीमारी है तो उसको अपनी मर्जी से सरकार, अपनी मर्जी से, अभी तक क्या है, अभी भी कोरोना में क्या हुआ, लोगों की मर्जी आई कि आपने कौन सा ट्रीटमेंट किया, कैसे किया, बहुत से डॉक्टरों पास आप जा सकते हैं, लेकिन फिर भी शुरुआत में आपको याद होगा कि समस्त आयुर्वेद वालों को और होम्योपैथ वालों को सबको मना कर दिया गया था कि आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं करना, और अब ये कर दिया गया है कि मेडिकल एग्जामिनेशन किसी का भी किया। अब ये पूरी डेफिनेशन में याद रखिएगा शुरुआत की लाइन कि स्टेट गवर्नमेंट इज या जो भी अथॉरिटी है इज ऑफ द ओपिनियन, बीमारी आ गई वाली बात नहीं है, उसका विचार है आ सकती है तो आपके साथ ये सारे काम किए जा सकते हैं। फिर जी पार्ट देखिए, अंडरटेक डिरेटिंग डिसइंफेक्शन डिसइंसेक्शन डिकंटेमिनेशन ट्रीटमेंट destruction of disposal of baggage, cargo, containers, conveyance, goods, postal parcels, human remains, animals, birds or biological substances to remove infection or contamination including vectors and reservoirs of infection। मतलब सरकार को ये पता लग डाउट हो गया कि आपके जानवरों में फैल रहा है, आपके घर के अनाज में फैल रहा है, आपके घर के बर्तनों में फैल रहा है, आपकी किसान की फसल में फैल रहा है, सरकार उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है अगर सरकार की ये ओपिनियन है, और वो ओपिनियन कल को गलत भी हो सकती है, वो भी इसमें बात में आया, गलत हो जाएगी तो आप उन पे केस नहीं कर सकते, वो सिचुएशन अभी आपको दिखाता हूं। देखिए आई पार्ट देखिए, प्रोवाइड फॉर द इंस्पेक्शन एंड रिक्वायर्ड, मतलब इंस्पेक्शन किसी का भी कर सकते हैं, डिटेंशन ऑफ एनी शिपमेंट कार्गो और ऑब्जेक्ट्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड एज ऑल्सो ऑफ एनी व्हीकल वेसल शिप एयरक्राफ्ट ट्रेन और फ्रॉम एनी ट्रांसपोर्ट पर्सन लीविंग और पासिंग थ्रू एनी प्लेस इंक्लूडिंग एनी पोर्ट एयरपोर्ट बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन ग्राउंड क्रॉसिंग एज द केस मे बी इन दैट एरिया। कहीं से आप गुजर रहे हैं आपको वहां पर कर ये रोका जा सकता है, आपको कोई भी ट्रीटमेंट दिया, आप में बीमारी का सिम्टम है नहीं है ये सरकार बताएगी, लेबोरेटरी बताएगा, ये अथॉरिटी बताएगी, आप नहीं बता सकते आप बीमार हैं। जैसे अभी की बीमारी में भी एक आप नहीं बता रहे आप बीमार है, आपको टेस्ट बताता बीमार है, तो इन्होंने यहां पर ये प्लानिंग करके 2017 में ये बिल, और ये बिल अगर आ जाता है तो कितना बड़ा खतरनाक आपके लिए है ये आप समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए एम पार्ट, डिसेमिनेट सच इंफॉर्मेशन एज डीम्ड अप्रोप्रिएट एंड टेक सच ऑर्डर द अप्रोप्रिएट मेजर्स इन सच सर्कमस्टेंसेस इंक्लूडिंग क्लोजर ऑफ मार्केट्स। नीचे देखिए एजुकेशनल एंड अदर इंस्टीट्यूशन एंड सोशल डिस्टेंसिंग, ये सोशल डिस्टेंसिंग का शब्द वहां से बना हुआ है, आपको लगेगा शायद अभी का बना है, नहीं 2017 में आ चुका था, इंस्टीट्यूशन को बंद करना करने का नाम और क्लोजर ऑफ मार्केट्स का नाम हम इसमें लेंगे,
ऐसा बताया है सरकार ने, ये बिल है। आइए, वेयर इट फोर्थ पार्ट देखिए, वेयर इट एट एनी टाइम द सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड टू द पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी देयर इज और इज लाइकली टू अराइज इन द कंट्री और एनी पार्ट ऑफ पे गिव सच इंस्ट्रक्शन, ये सब इंस्ट्रक्शन दी जाएगी। खैर ये तो है कि सरकार जब भी चाहे आपको ये कह देगी कि बीमारी आने वाली है। अब ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये दूसरा वाला, एनी विलफुल और इंटेंशनल कंट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और मे बी रूल और ऑर्डर मेड और इश्यू डियर इन विल बी कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल विद द फाइन विच शैल एक्सीड 50,000 इन फर्स्ट कंट्रावेंशन एंड नॉट एक्सीड 1 लाख रुपीज फॉर रिपीट कंट्रावेंशन एंड मे ऑल्सो लीड टू पनिशमेंट बाई एम्प्लॉयर विच मे एक्सटेंड अप टू पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। मतलब अगर सरकार ने फैसला किया कि आपको क्वारंटाइन करना है, क्वारंटाइन नहीं करना चाहते तो आपको 2 साल तक की सजा हो सकती है। और ये सारी चीज किस बेस पे है, किसी नियम पर नहीं है, ये सरकार की अपनी एजम्पशन के ऊपर है, किसी की ओपिनियन के ऊपर है, चाहे वो लोकल अथॉरिटी की ओपिनियन हो सकती है, बड़ी की भी हो सकती है। इसके बाद आग देखिए, इसके बाद ये देखिए, सेवेंथ देखिए, एनी पर्सन ऑथराइज्ड टू टेक एन एक्शन अंडर दिस एक्ट और एनी ऑर्डर और रूल मे मेड देयर ऑनर शैल बी डीम्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट विद द मीनिंग ऑफ द सेक्शन 21 ऑफ द पिनल कोड। मतलब इसका जो मतलब है उसको आप यहां समझिएगा, ये देखो क्या बता रहा है, सर्टेन पर्सन डीम टू बी पब्लिक सर्वेंट, जो जो पब्लिक सर्वेंट है कोई भी इस प्रकार का ऑर्डर आपके पास बना सकता है। और इसमें और खतरनाक बात जो आपके सामने वो ये देख सकते हैं, ये नाइन्थ देखिए, No court shall take cognizance of any offence under Section 3, 4 and Section 5 of this Act except the provision, prevention, previous section, sanctions of other for such officer as may be prescribed. Now, any offence under Section 3, 4, 5 section may either before or after the institution of prosecution be compounded by such officer on payment of such compounding amount as may be prescribed. जो मर्जी चाहे वो fine ले लेंगे आपसे। अब ये दसवां part देखिए, No suit, prosecution or other legal proceeding shall be against any person for anything which is done in good faith or intended to be done in pursuance of this act or any rule or order made thereunder. मतलब इस रूल के अंदर सरकार किसी भी चीज को बीमारी मान ले, कल को आप लोकल अथॉरिटी, ये लोकल अथॉरिटी तक बात है, अगर उसने मान लिया है बीमारी है और आपको कह दिया और आपने उसका कहना नहीं माना, तो वो लोकल अथॉरिटी को आप दोबारा कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। नो सूट। और अगर कहीं पर इससे संबंधित कोई और कोर्ट का लॉ होने वाला है तो देखिए यहां पर इन्होंने क्या लिख दिया अगले वाले प्रोविजन में, 11 पे, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल बी ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर एनी प्रोविजन इन दिस अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। कोई भी और लॉ चल रहा होगा उसके ऊपर ये वाला जो लॉ बनेगा ये उससे ऊपर माना जाएगा। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो दिया था वर्ल्ड पैंडेमिक ट्रीटी के ऊपर, पैंडेमिक प्रिपेयरनेस ट्रीटी के ऊपर जो WHO का है। अभी भी बात क्या थी, अभी सरकार WHO आपको कुछ गाइडेंस देती है, ऐसा कर लीजिए, ये मास्क लगा लीजिए, ये वो कर लीजिए, और रोज WHO अपनी चीजें बदलती रहती है, ये भी आप देख चुके हैं। लेकिन जो ट्रीटी भारत सरकार की अगर साइन हो जाती है उसके बाद उनकी ट्रीटी ही सर्वोपरि मानी जाएगी, आपकी कंट्री का लॉ इसके अगेंस्ट कुछ नहीं कह पाएगा। ये छोटे से लॉ में भी थोड़े बात कह, आपकी कंट्री का लॉ कुछ नहीं करेगा। बस आखिरी चीज आपको एक और बताऊं कि इन्होंने ये बीमारियां किस किस से फैल सकती हैं, क्या हो सकती है, आप ये भी सोचेंगे यार भयंकर बीमारी आई, लेकिन बीमारी में उनके शेड्यूल में क्या क्या है ये नाम पढ़ लीजिए, बीमारियों के नाम पढ़ के आपको अंदाजा लगेगा किस किस चीज को ये रोक रहे हैं, कौन कौन सी बीमारी आपके अंदर आ रही है, आप इसका अंदाजा यहां ले सकते हैं। एंथ्रेक्स, बर्ड फ्लू, चिकन पॉक्स, डेंगू फीवर, डिप्थीरिया, कॉलरा, चिकनगुनिया, फूड पॉइजनिंग, क्योंकि पार्टी में गलत खाना खा लिया फूड पॉइजनिंग, तब भी सरकार ये नियम आपको बता सकते, HIV, AIDS, इन्फ्लुएंजा, इन सबके केस में आगे काला आजार, ये नीचे देखिए मलेरिया, मीजल्स, इन बीमारियों को भी सरकार, और लास्ट में क्या बोला है, एनी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, मैंने WHO अगर कह दिया तो आपको मानना ही पड़ेगा, एनी अदर एपिडेमिक डिजीज ऑफ पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस एज मे बी नोटिफाइड, 35वां कह दिया, इसके अतिरिक्त और कोई भी हो, हूपिंग कफ, येलो फीवर, स्मॉल पॉक्स, आप देखिए कैसी कैसी बीमारियों के लिए कहा जाएगा, रिलैप्सिंग फीवर, दो बार फीवर रिलैप्स हो गया सरकार कह देगी ये महामारी आपके लिए क्वारंटाइन हो जाएगी। ये है इस कानून के प्रोविजन, और सबसे जो इसमें खतरनाक बात वो है वो यही है कि आप इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते कि इस अथॉरिटी वाले बंदे ने शायद गलत कर दिया।
धन्यवाद।